अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं t4teaching। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप फोटोशॉप cs6 में रहते हुए जो अपने दाने हैं फेस में, जो पिंपल्स हैं, आप उनों को किस तरह रिमूव कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक तस्वीर इंसर्ट करवाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तस्वीर के ऊपर बहुत सारे दाने और धब्बे भी हैं और पिंपल्स जो आप यहाँ पर वाजिया तौर पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी टूल्स है कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपने ये वाली टूल्स जिसका नाम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको मैं इसका नाम भी दिखा देता हूँ, जो कि दो सेकंड आप कर्सल को यहाँ पर रखेंगे, बगैर क्लिक किए ही इसका नाम जो है वो ऊपर आ जाएगा। देखें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसको आप सिलेक्ट करें और आप मूव अप करें अपने फेस के ऊपर जहाँ पर दाग धब्बे हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर मूव अप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाग धब्बे हैं और जो यहाँ पर दाने हैं, आप गौर से देखें तो वो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं, बिल्कुल क्लीन अप होता जा रहा है फेस, जहाँ पर जो दाने हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप गौर कर सकें तो आप जितना ही इसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता से इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही आपको जो अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही इजी तरीके से अपनी तस्वीर, जो अपना फेस है, उसको बहुत ही इजी तरीके से आप उसको क्लीन अप कर सकते हैं, आप उसके दाने जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको इस तस्वीर को सेव करके भी दिखा देता हूं और आपको वाजिया तौर पर जूम आउट या जूम इन करके भी आपको दिखा दूँगा कि किस तरह ये तस्वीर बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूं कि किस तरह इस तस्वीर को क्लीन अप मैंने बना दिया है, जो कि फोटोशॉप cs6 में रहते हुए एक टूल की मदद से। तो दोस्तों यहां से मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं, आप मैं यहां से जूम इन करता हूं और आप इस चेहरे को देखें गौर से तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम पाकिस्तान।